सिर्फ साइड में ही डालना है। घी डालने के बाद जब इसका बैक साइड का कलर रेड हो जाए थोड़ा सा या फिर करारा सा हो जाए तो हम इसे एक बार पलट कर चेक कर लेंगे। पूरा नहीं पलटना, आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे ही करना है। इसे मैंने हटा लिया और एक बार चेक कर लिया, इसका कलर देखिए अच्छा आ गया और थोड़ा सा घी डाल दिया है नीचे ताकि और अच्छा कलर आ जाए। उसके बाद जो हमने फिलिंग तैयार करी थी उसके आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। आलू, टमाटर और मूंगफली तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है और ये ऐड करने के बाद मैंने इसे रोल कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये डोसा जो है हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो मेरी आज की रेसिपी रेडी है। ये देखिए मैंने डोसे को सांभर और चटनी के साथ खाना पसंद करा है। आप भी सांभर और चटनी के साथ ही खाते होंगे, ऑफकोर्स सभी खाते हैं। तो आप मेरी सांभर और चटनी की रेसिपी पहले की वीडियोज़ में देख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।